अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हदी हियर। आज का टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है सेल बायोलॉजी के चैप्टर से साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के लिहाज से। तो जनाब, साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म से पहले स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म में हम लोग सबसे पहले सेल का एक डायग्राम लिख लेते हैं, जिसमें आपके पास ये जो पोर्शन है ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन। यहां तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन तक। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर का जितना इलाका है, इस इलाके में जो एक्वस पार्ट है, यानी जिसके अंदर वाटर है, जो एक्वस पार्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं साइटोसोल। साइटोसोल का नाम देते हैं, यानी ये जो एक यहां पर आपको पानी मिलेगा, इसका एक और नाम भी आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स भी आप उसको कह सकते हैं। ये जो एक मैदान है, ये जो ग्राउंड है, लेकिन याद रखे इधर आपको वाटर मिलेगा। एक्वस पार्ट पूरा का पूरा जो ग्राउंड है ये पानी से भरा हुआ होगा। तो ये जो एक्वस पार्ट है, इधर मैं लिखता हूँ AQUEOUS, एक्वस पार्ट। एक्वस मतलब वाटर, पानी। तो जो एक्वस पार्ट है इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, ठीक है। सो अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर अगर हम लोग कभी एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो वो क्या चीज़ है? तो असल में ये जितना भी इलाका है, अगर इसके अंदर हम न्यूक्लियस को भी ऐड कर दें, यानी यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जिस तरह का यहाँ पर आपको पानी का एक इलाका यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्वस पार्ट, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक्वस पार्ट है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक्वस पार्ट है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म। और ये जो इलाका है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्म, दोनों प्लाज्म, ये जो ये साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो फिर इसका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हमारे पास क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये आ गया आपका प्रोटोप्लाज्म। तो अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। तो ओवरऑल आप उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, यानी अगर इस साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल आप उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और अगर इधर इधर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है तो न्यूक्लियस के बाद जो इलाका है इसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। हम इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोटोप्लाज्म का ही हिस्सा है, लेकिन हम उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी वो बताएंगे, और इसके साथ और कौन से टर्म्स अटैच है, साथ साथ वो फंक्शन भी आपको बता देंगे। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले एक लफ्ज है यूज होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब ये क्या चीज़ है? एक्टोप्लाज्म, बल्कि मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। अच्छा, ये बातें जो है, बाज ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके बलूचिस्तान बोर्ड में नहीं होंगे लेकिन फेडरल बोर्ड में होंगे, फेडरल बोर्ड में नहीं होंगे बलूचिस्तान बोर्ड में होंगे, तो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे के सारे बोर्ड जो है वो कवर हो जाए। अब ये एक्टोप्लाज्म जो है, ये आपके साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट दिस वन, किनारे की तरफ जो हिस्सा है आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग नाम देंगे एक्टोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। अच्छा, एक्टोप्लाज्म की पहचान क्या है? एक्टोप्लाज्म जो है ये बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर मतलब यहां पर आपको कोई दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे, क्लियर सा होगा। अच्छा, इसके साथ ही ये रिजिड होगा, यानी ये
मोर विस्कस होगा, मोर विस्कस. नॉन ग्रेन्यूलर, नॉन ग्रेन्यूलर. यहां पर आपको कोई दानेदार स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे. यहां पर सेल के स्ट्रक्चर्स आपको बड़े बड़े जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, वो तो सारे सेंटर तक मिलेंगे. किनारे पर जो है आपको इस तरह का कोई दानेदार स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये नॉन ग्रेन्यूलर है और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है बनिस्बते सेंट्रल पार्ट का. साइटोप्लाज्म के गाढ़ापन जो है यकसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. किनारे पर इसकी गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, लेकिन दरमियान में आप आओगे तो गाढ़ापन कमजोर हो जाता है. वहां पर आपको जो है पतलापन नजर आएगा, गाढ़ापन कम से कम आपको नजर आएगा. तो इस इलाके का नाम हमने एक्टोप्लाज्म रखा हुआ है. अब अगर आप अंदर की तरफ आ जाओगे मजीद, ये जो इलाका है साइटोप्लाज्म का, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा इसका फिर हम लोग नाम रख देंगे. ये सारा का सारा जो इलाका है दरमियान, इसका नाम फिर क्या होगा, एंडोप्लाज्म होगा. एंडोप्लाज्म की पहचान ये है कि ये ग्रेन्यूलर है, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट है. ये नॉन ग्रेन्यूलर है, ये ग्रेन्यूलर है. इधर आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उस स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ग्रेन्यूलर नजर आएगा. और जाहिर है ये क्लियर नहीं होगा, जिस तरह वो वाला क्लियर था ये क्लियर नहीं होगा, नॉट क्लियर. एंड देन इट विल बी लेस विस्कस, इट विल बी लेस विस्कस. ये जो है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा. इसके साथ ये एक्टो और एंडोप्लाज्म भी हो गया. अब हम आ जाते हैं यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ बड़े बड़े साइज के हैं और कुछ दरमियाना साइज के, कुछ तो बहुत ज्यादा छोटे साइज के हैं. वो जो छोटे साइज के उसको अगर हम मालिक्यूल कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा. तो अगर हम देखें यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं. एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल है वो भी तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए होंगे ना. जब वो डिजॉल्व हो जाएंगे ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये आपका वाटर है, लेट सपोज ये वाटर है, लेट सपोज, और वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि नमक पानी में, चीनी पानी में आप डालते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन आपको पता है एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हुआ हो, हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं. तो ये जो सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल साइज के हों, बहुत ही छोटे साइज के हों, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन. तो भाई आप जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको ट्रू सॉल्यूशन नजर आएगा, यानी उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी डिसॉल्व हो चुके हैं. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए. अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना सकते. ट्रू सॉल्यूशन के लिए मॉलिक्यूल का साइज को छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिसकी वजह से वो ट्रू सॉल्यूशन के बजाय है, उसका नाम हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो अब हमारे पास मजे की बात यह है कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन है, स्मॉल मॉलिक्यूल वाला ट्रू सॉल्यूशन, लार्ज मॉलिक्यूल वाला कोलाइडल सॉल्यूशन. अब लार्ज मॉलिक्यूल में आप देखिए प्रोटीन होगा, ठीक है, उसमें अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे, तो बड़े मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा.
अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन ये या तो सोल होगा या फिर इसका नाम जल होगा। अब आप बताते कि सोल और जल क्या है। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन लेस विस्कोस है, लेस विस्कोस तब हम उसको सोल कहेंगे, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन मोर विस्कोस है, गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो तब हम उसको जेल कहेंगे। अब अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर यहां पर एक बार फिर से अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर लिख दूं कि सेल जो है पेरिफेरी मतलब किनारे से, पेरिफेरी किनारे से, किनारे से अगर आप देखें सेल को, मतलब जिसको आप एक्टोप्लाज्म कह रहे हैं, अगर आप यहां से देखें किनारे से, तो ये किनारे से ये वाला हिस्सा सारा का सारा गाढ़ा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ जेल। और अगर आप इधर आओगे सेंटर में, तो सेंटर में मोस्टली ये इन द फॉर्म ऑफ सोल की शक्ल में होता है, ठीक है। तो यहां पर ये लेस विस्कस है और यहां पर ये मोर विस्कस है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें विस्कोस और नॉन विस्कोस कैसे हो जाती है, ये किसी भी बोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको पता चलेगा, फिर भी आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। लेट सपोज ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, वाटर, और वाटर के अंदर जो है हमारे पास कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इस तरह से सस्पेंड हुए हैं, ये जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ वहाँ इस तरह से सस्पेंड हो गए हैं। तो अगर आप देखिए वाटर जो है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में वाटर है और कम मिकदार में जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, इस केस में जो है वो आपका सोल बन जाता है, सोल इस केस में क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। लेकिन बाज़ औकात क्या होता है, इसके अलावा जेल के लिए क्या होता है, जेल में फिर क्या होगा, जेल में फिर आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, और उनके बीच जो है यहाँ वहाँ जो है वाटर जो है फंस जाता है, इधर यहाँ पर वहाँ पर जो है ना वाटर जो है इन धागों के बीच आ जाते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है, वाटर जो है कम है, जब वाटर कम हो सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो उस केस में इसका हम लोग क्या नाम देंगे, जेल का नाम देंगे। तो इन दोनों में आप देखिए यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, वाटर कम है, इसको हम लोग जेल कहेंगे। तो आपका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को सोल की हालत में भी रखते हैं, जेल की हालत में भी रखते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर कि वाटर ज़्यादा है कंटीन्यूअस फेज में है या जो सॉल्यूट है वो कंटीन्यूअस फेज में है। अच्छा, इसके साथ आपको सोल और जेल का भी मैंने आइडिया दिया। अब हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ कि क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो हम आपको इस तरह से बताएंगे कि साइटोप्लाज्म ने दो तरह के आपको मतलब फंक्शन आपको नजर आएंगे। नंबर वन, पहला फंक्शन तो ये है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म एक किस्म का स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस यानी जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का नाम आपने सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, जो भी स्ट्रक्चर्स है उन सबको साइटोप्लाज्म ने जगह दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लॉट है और इस पर घरों को उन किराए पे जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नजर आएंगी और हर जो कंपार्टमेंट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में की तरह होगा, की शक्ल में होगा, गॉल्जी बॉडीज की शक्ल में होगा। तो पहला काम तो इसका ये है साइटोप्लाज्म की, उन्होंने जगह दिया हुआ है ऑर्गेनेल्स को। और याद रखिएगा साइटोप्लाज्म का काम क्या हुआ कि जो ऑर्गेनेल्स का काम है वो तो साइटोप्लाज्म का काम आ गया, यानी हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन का थोड़ा सा क्रेडिट हम साइटोप्लाज्म को दे सकते हैं। नंबर दो, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है केमिकल रिएक्शंस, यहां पर होता है केमिकल रिएक्शंस। सेल के जो साइटोप्लाज्म है, याद रखिए मिसाल के तौर पर ये आपका सेल है और सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एक तो आपको पता है वाटर है और वाटर बड़ा जबरदस्त मीडियम है रिएक्शन करने के लिए, तो यहां पर मुख्तलिफ किस्म के आपको इंजाइम नजर आएंगे और ये जो इंजाइम्स हैं ये इंजाइम चीजों को तोड़ते हैं और बनाते भी हैं, यानी इससे एनर्जी भी हमारे लिए बनाते हैं और साथ साथ चीजों को बनाते भी हैं। सो ये इसको हम लोग ओवरऑल क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस। वो तमाम के तमाम आपके तमाम के तमाम तो नहीं कह सकते हैं, अक्सर रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, गॉल्जी बॉडीज के अंदर होते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते तमाम के तमाम, हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि ऑल रिएक्शन, फिर आप गलत हो जाएंगे, ऑल नहीं, क्योंकि कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो होते हैं ना, गॉल्जी बॉडीज के अंदर भी तो होते हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टोर हाउस भी हो गया, केमिकल रिएक्शन भी हो गया, एंड देन आई थिंक ये दो काफ़ी है फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, वैसे तो और भी है लेकिन हम ये दो जो हैं इसको रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अभी मुझे याद आया, वो ये है कि आपके सेल के अंदर जो है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है दो तरह के पार्ट्स हैं। नंबर वन, इसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, दिस वन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स का मतलब वो चीज़ें जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में, एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग, सॉरी मैं यहाँ से, दूसरा है नॉन लिविंग। सो साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, वो हम लोगों ने दो हिस्सों से किया हुआ, एक है लिविंग स्ट्रक्चर है और एक है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है। लिविंग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ रहा है, लिविंग स्ट्रक्चर में ऑर्गेनलीज आते हैं, ऑर्गेनलीज मिसाल के तौर पर कौन कौन से है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, गॉल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, नाम लिखते बहुत सारे 10-12 नाम आ जाएंगे इधर, तो उन सब को हम लोग क्या नाम थे, ऑर्गेनलीज, और ये किस कैटेगरी में है, लिविंग स्ट्रक्चर में। इस तरह से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी है, नॉन लिविंग जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंक्लूजन्स के नाम से हम लोग इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडीज भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इंक्लूजन बॉडीज जिसे आप कहते हैं, ये फिर क्या चीज है, ये असल में ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है जिसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, या इसके अंदर लिपिड स्टोर हुआ है, या इसके अंदर कोई ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है। तो ये जो स्टोरेज बॉडीज है या फिर ऐसे बॉडीज हैं जिन्होंने सेल के अंदर तैयार तो हो गए हैं, अब बस इसने इधर रहना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, इन्होंने बाहर जाना है। तो जब वो बाहर जाते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हम उसको बोलते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स उसको कहते हैं। तो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल जिसने बाहर जाना है, या स्टोरेज ग्रेन्यूल जिसके अंदर कोई चीज़ स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स वगैरह जो स्टोर है, उनको फिर हम इन तमाम के तमाम को हम लोग क्या नाम देंगे, इंक्लूजन बॉडीज का नाम देते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर है वो हम लोग लिविंग मिलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और बाकी नाम जितने भी हैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे, लेकिन ये तो अभी तक सिर्फ साइटोप्लाज्म हुआ, अभी भी रहता है हमारा साइटोस्केलेटन, ये सारा का सारा रहता है। सो शुरू करते हैं साइटोस्केलेटन से, आई होप कि आपको साइटोप्लाज्म समझ आ गया होगा। साइटोस्केलेटन से स्टार्ट करते हैं,
भाई इंसान के अंदर अगर आप देखें, इंसान के अंदर भी एक स्केलेटन है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर ढांचा है एक किस्म का। ये ढांचा हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में मदद देता है, शेप देता है। ठीक है, शेप मूवमेंट ये दोनों हमें ढांचा देता है, और इन दोनों को आप सपोर्ट भी कह सकते हैं। शेप अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, तो उन दोनों को हम लोग सपोर्ट का नाम देते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में ढांचा एक एक सपोर्टिव रोल अदा करते हैं, तो एक सेल को अगर हम देखें, एक सेल एज अ यूनिट, एज अ एक इंडिविजुअल यूनिट अगर हम सेल को देखें, तो क्या सेल के अंदर भी इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी सपोर्टिंग सब्सटेंस की ज़रूरत होगी? क्या सेल को सपोर्ट चाहिए? तो सब जवाब मिलेंगे कि यस, सेल को सपोर्ट चाहिए। सेल का शेप मेंटेन होना चाहिए, सेल अपना शेप को मेंटेन करते हैं। बाज़ औक़ात एक सेल अपना शेप को चेंज भी करते हैं। तो अगर एक सेल अपना शेप चेंज करेगा, तो उसके अंदर क्या चीज़ होगा कि उसकी मदद से उसका शेप चेंज हो जाए? इसी तरह सेल के अंदर चीज़ों की मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हमें ये देखना होगा कि एक सेल के अंदर ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सारे के सारे चीज़ें सेल के अंदर मौजूद है, उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है साइटो स्केलेटन। अगर आप देखें साइटो को, अगर आप पहले देखें साइटो साइटो अभी अभी हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटो सेल को कहते हैं साइटो, और स्केलेटन का मतलब है सपोर्टिंग सब्सटेंस, यानी ये वो चीजें हैं जो सेल को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग सब्सटेंस। इनका ओवरऑल मकसद क्या है? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था, इनका ओवरऑल मकसद क्या है? वो है शेप मोबिलिटी, वो है शेप देना, और साथ साथ चीजों की हरकत मोबिलिटी, शेप मोबिलिटी। हत्ता कि एक और भी अभी 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 पता चला, एंकरिंग पॉइंट्स, एंकर मतलब है पकड़ना, अटैच करना। सो ये एंकरिंग फंक्शन भी करते हैं, यानी सेल के अंदर कुछ चीज़ों को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ना, चीज़ों को हरकत करना और शेप देना या चेंज करना। ये सारा का सारा काम किसका? ये साइटोस्केलेटन का है। अब एक स्टूडेंट ये भी सोचेगा या सोचेगी कि ये जो साइटोस्केलेटन है, ये सेल के अंदर किस तरह की चीज़ें होंगे? तो भाई इसका जवाब बड़ा सिंपल है, वो ये है कि ये सारे के सारे मतलब ये आपका सेल है, आपके सेल के अंदर इस तरह से धागे की शक्ल में होंगे, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जिनकी लंबाई और मोटाई डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ थिकनेस वाले धागे होंगे। ये जो धागे हैं, मतलब इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कह दें, ठीक है, आप उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह दें, ये धागे जो है ये सेल का स्केलेटन है, और हम उन धागों को साइटोस्केलेटन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो साइटोस्केलेटन है, ये ओवरऑल कितने टाइप्स के हैं। तो वैसे ये चार है, लेकिन तीन है, हम कोर्स के लिहाज से जाएंगे। साइटोस्केलेटन हमारे पास तीन किस्म के हैं। नंबर वन जो है उसका नाम है माइक्रो ट्यूब्यूल, और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल के बाद दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? दूसरे नंबर पर आ रहा है माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट, जबकि तीसरे नंबर पर जो आ रहा है उसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन किस्म के साइटोस्केलेटन हैं। इन तीन को मुख्तलिफ नाम हमने इसके डायमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, मोटाई। मतलब अगर आप देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोटे धागे हैं साइटोस्केलेटन, जो मोटे थिक है मोस्ट, वो 20 नैनोमीटर का है, और उसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। 20 नैनोमीटर सबसे ज़्यादा मोटे धागे माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से। और आपने यही चीज़ ये याद रखना है, इनका डायमीटर याद रखना है, और साथ ही साथ
इनके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम हमने याद रखना है कि भाई ये किस प्रोटीन से मिलके बना, क्योंकि ये जो जितने भी धागे हैं ना ये सारे प्रोटीन के मिलके बने हुए थे, तो प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं और हमने नाम याद रखना है। सही है, तो ये 20 नैनोमीटर का मोटाई रखते हैं और इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन। ऐसे एक ट्यूबुलिन इस तरह से, दो जो छोटे धारे ये असल में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इस तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा, हम उसको माइक्रो ट्यूब्यूल कहेंगे। तो ये देखो एक पाइप है, एक धागा है, ये पूरा का पूरा एक धागा है, एक पाइप है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे दायरे जो आपको नजर आ रहे हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के हैं। ठीक है, तो हमने याद रखना है। अगर आप इस तरफ आ जाए, फंक्शन में बताऊंगा आपको, माइक्रोफिलामेंट पर अगर आप आ जाए तो माइक्रोफिलामेंट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये हमें कितना बताया जा रहा है, 7 नैनोमीटर जो है इसकी जो मोटाई है वो 7 नैनोमीटर है, बहुत कम। वो बहुत ज़्यादा थिक था, ये बहुत ज़्यादा थिन है, 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर है माइक्रोफिलामेंट का। और इसका हमारे पास प्रोटीन का जो नाम है वो क्या है, वो है एक्टिन प्रोटीन। ये जिस प्रोटीन से मिलकर बना है उसका नाम है एक्टिन प्रोटीन है और ये आपने अलग सा याद रखना है। इसके अलावा अगर आप आ जाए तो थर्ड नंबर पर अगर आप आ जाए, इंटरमीडिएट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन ये जो धागे हैं इनकी मोटाई इससे कम है और इससे ज़्यादा इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में, तो 7 और 20 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर जो है इसकी मोटाई है। और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, तो इसके अदर जो प्रोटीन है वो है विमेंटीन। जितने भी बोर्ड्स है, बलूचिस्तान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उनमें इसका नाम विमेंटीन मेंशन है, विमेंटीन प्रोटीन का नाम है। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी इसके बारे में मिला, वो ये है कि अगर आपने ब्रेन के अंदर पढ़ा हो, सेल्स होते हैं तो ब्रेन के सेल के अंदर भी आपको धागे मिलेंगे, उन धागों का नाम क्या है, न्यूरोफिलामेंट्स। तो ये न्यूरोफिलामेंट भी इस इंटरमीडिएट के अंदर आ रहा है। और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ और भी सपोर्टिंग और नरिशिंग सेल्स है, ग्लियल सेल्स, तो उनके अंदर जो है ग्लियल फिलामेंट्स हम उसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो धागे हैं न्यूरोफिलामेंट्स है, ग्लियल फिलामेंट्स, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट है और साथ साथ केराटिन फिलामेंट भी मौजूद है इसमें, केराटिन फिलामेंट जो स्किन के अंदर है, केराटिन फिलामेंट ये भी आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। अच्छा जनाब, अब आते हैं फंक्शन की तरफ। माइक्रोट्यूब्यूल का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा वसी फंक्शन है, बहुत वेस्ट फंक्शन है इसका। तो वो जो फंक्शन है उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सबसे पहला जो फंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मतलब आपके सेल के अंदर अगर आप देखें, आपने सेल के अंदर सुना होगा कि हमारे सेल के अंदर सेंट्रियोल है, यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल, और जब ये सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है, उस वक्त सेंट्रियोल अपने आप को डबल करके एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है, एक सेंट्रियोल इस तरफ आ जाता है। ये जो आपका सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंट्रियोल। इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल है इससे कुछ छोटे छोटे धागे निकल जाते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे धागे जो हैं इनसे निकल जाते हैं, और इन छोटे छोटे धागों का हमने क्या नाम दिया हुआ है, एस्टर्स, हमने उनका नाम दिया हुआ है, एस्टर्स इनका नाम है। तो ये जो एस्टर्स हैं ये भी सेंट्रियोल से मिलकर बने हुए, तो मैं यहाँ पर क्या नाम लिख देता हूँ, एस्टर्स लिख लेता हूँ। इसके अलावा और आपको मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ कुछ लंबे धागे भी आपको मिलेंगे, लंबे से धागे भी आपको मिलेंगे जो एक सेंट्रियोल से स्टार्ट हो गए हैं और वो दूसरे सेंट्रियोल पे जाके ख़त्म हो गए हैं।
इन धागों का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इन धागों का नाम हमने रखा हुआ है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के जेर असर आ रहा है। सो स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल, इसका मतलब ये भी हुआ कि माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्यों भाई सेल डिवीजन? क्योंकि सेल डिवीजन में ये चीज़ें अपना रोल अदा करती हैं, इसीलिए हम माइक्रोट्यूब्यूल को बोल देंगे ये सेल डिवीजन में भी हेल्प देते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सुना था कि एक सेल के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर थोड़ा सा छोटा सा सेल लिख दूँ, ये तो बड़ा सा सेल है, छोटा सेल अगर मैं इधर लिख दूँ, ये एक छोटा सा सेल है हमारे पास। इस सेल के आसपास छोटे छोटे धागे होते हैं, बड़े छोटे छोटे धागे होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटोजोआन के आसपास है, जैसे पैरामीशियम वगैरह के आसपास। ये जो छोटे छोटे धागे हैं इनकी वजह से मूवमेंट होती है और इन धागों का नाम है सीलिया। तो भाई ये सीलिया जो है ये भी किस की वजह से आया हुआ है? ये माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बने हुए सीलिया। अगर आप एक धागा उठाओगे तो एक धागे के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। इसी तरह हमने एक और नाम भी सुना था फ्लैजेला, यानी एक लंबा सा धागा जो कि लंबा हो और एक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे सीलिया तो ज़्यादा होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला दोनों जो है वो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फ्लैजेला भी लिख लेता हूँ, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला में फ़र्क क्या है कि फ्लैजेला एक है और लंबा धागा है, सीलिया बहुत ज़्यादा है, छोटे कद के। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोट्यूबुल की फंक्शन क्या है? इसके अलावा जो इसके फंक्शन है वो ये है ट्रांसपोर्ट। दोबारा सेल की तरफ आते हैं, ये आपका सेल है। अगर आप इस सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर जो है वाटर की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, और वाटर के अलावा यहां पर हमारे पास आयंस भी है, हमारे पास और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये किस तरह मूव करते हैं? इनकी मूवमेंट में भी इसका किरदार है, माइक्रोट्यूब्यूल ही इस वाटर को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वरना वाटर मॉलिक्यूल में खुद से तो ताकत नहीं कि वो मूव कर सके इस सेल में एक जगह से दूसरी जगह। अलबत्त वाटर जब बीकर के अंदर होंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो होती है, लेकिन सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना ये माइक्रोट्यूब्यूल के बगैर नामुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलावा और इसका माइक्रोट्यूब्यूल का हमारे पास जो काम आ रहा है वो कौन सा है ट्रांसपोर्ट के अलावा? वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस में ये जो आपका जो साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है ये इस तरह से पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इस तरह घूम रहा होता है आपके सेल के अंदर। यस, ये जो आपका पूरा साइटोप्लाज्म घूम रहा होता है, इस घूमने को हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की किस्म के स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। ये जो साइक्लोसिस है ये भी इस माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से है। तो जनाब, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन सारा बता दिया, अब हम आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ। माइक्रोफिलामेंट का इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है, इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो है ये वाले जो फिलामेंट है ये आपको उन सेल्स के अंदर मिल जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी जो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जैसे कि मसल के सेल्स। आपके जो बाइसिप या ट्राइसिप के जो मसल्स होते हैं या बॉडी के अंदर और भी मसल्स होते हैं, उन मसल के अंदर ये मसल सेल के अंदर, जैसे कि ये आपका मसल का एक मसल सेल, तो इस मसल सेल के अंदर अगर आप देखें तो इधर आपको धागे मिलेंगे और इन धागों का नाम क्या है? एक्टिन। इन धागों की मदद से ये सेल अपने आप को
छोटा भी कर देगा और लंबा भी कर देगा, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और अपने आप को रिलैक्स भी करेगा। तो ये सेल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस माइक्रोफिलामेंट की वजह से है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो आपको न्यूरोफिलामेंट की शक्ल मैंने बता दिया, ग्लियल फिलामेंट और क्रिएटिन फिलामेंट की शक्ल में। एक और भी है फोर्थ चीज़ जो किसी भी बोर्ड में नहीं है हमारे यहाँ, वो ये है कि आपके सेल के अंदर जो है कुछ और भी धागे हैं जिसे हम लोग ट्रेविकुलर कहते हैं, ट्रेविकुलर मेशवर्क। वो फिर इस तरह से कि एक धागा दूसरे धागे के साथ इस तरह से जो है इंटरलिंक हुआ है, ये धागा इस तरह से लिंक हुआ है, मतलब एक धागे दूसरे के साथ इस तरह से लिंक हुए हैं। अगर धागे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो गए हों तो फिर इसका नाम होगा ट्रेबिक्यूलर। क्या नाम होगा इसका? ट्रेबिक्यूलर या माइक्रो ट्रेबिक्यूलर, आप इसको नाम देख सकते हैं, माइक्रो ट्रेबिक्यूलर आप इसको नाम दे सकते हैं। देखो इसका और बाकी साइटोस्केलेटन में फ़र्क ये, वो लिंक नहीं थे आपस में लेकिन ये आपस में लिंक है। और सबसे मज़े की बात मैं बताता चलूँ, मज़े की बात ये है कि जो आपने राइबोसोम का नाम सुना है वो होगा लाइसोसोम या राइबोसोम। ये राइबोसोम ये इन धागों के बीच जो जो एक स्पेस आ रहा है, ये स्पेस के अंदर जो है यहाँ पर इनके साथ कनेक्ट हो गए होंगे, इनके साथ अटैच हो गए होंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो धागे हैं ये इनको एक किस्म का अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वन, नंबर टू, ये धागे बहुत ज़्यादा लचकदार होते हैं। ये धागे पूरे सेल के शेप को चेंज कर देते, मतलब अगर ये धागे अपने आप को थोड़ा सा शेप चेंज कर देंगे, लचक तो है इसमें, तो ये पूरे सेल के शेप को भी चेंज कर देते हैं। तो इसके साथ ही साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म दोनों मैंने पढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।